नमस्कार दोस्तों, मैं अनितिन और स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक्निदिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको AMP सेट करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से आपको AMP का इंस्टॉलेशन करना है और उसे किस तरह से सेटअप करना है। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए प्लगइन सेक्शन में आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, तो वहाँ पे आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस में एक प्लगइन होता है, सेक्शन होता है, वहाँ पे आप आओगे तो आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन वहाँ पे दिखा देता है। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है AMP। यहाँ पे बहुत सारे AMP से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्लगइन्स दिखाई देंगे। आपको कौन सा इस वाला इंस्टॉल करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो सेकंड वाला है रेड कलर का, जो AMP का, यहाँ पे MP4WP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये वाला प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इसी का पूरा सेटअप मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद एक्टिवेट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्टिवेट करके यहाँ पे बताता हूँ। एक छोटा सा सेटअप विज़ार्ड आएगा तो उसे आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सेटिंग्स आएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत यानी कि बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे रन इंस्टॉलेशन विज़ार्ड यानी कि हाँ आई एम अ न्यू यूज़र या फिर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यूज़र का आपको यहाँ पे पैनल दिखाई देगा। तो हम तो नया है इसलिए नए यानी कि नए न्यू यूज़र वाले यहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा आपको स्टार्ट करने के बाद आपको एक लोगो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करोगे, आपका ऑलरेडी अपलोड है तो बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से सेव कर देना है। उसके बाद आगे के पेज पे आएगा। यहाँ पे देखिए पेजेस यानी कि कहाँ कहाँ पे आप AMP लगाना चाहते हैं, तो पोस्ट पेजेस होम पेज कैटेगरीज एंड टैग सभी पे हम AMP लगाना चाहते हैं, तो उसे कर दीजिए सेव। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ पे आपको जो है ट्रैकिंग आईडी मांगेगा गूगल एनालिटिक्स की। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गूगल एनालिटिक्स के रजिस्टर कर दीजिए अपने वेबसाइट को। वो एक ट्रैकिंग आईडी आपको देगा, उस ट्रैकिंग आईडी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो AMP पे जितने भी रिक्वेस्ट आएगी आपकी वेबसाइट के यानी कि मोबाइल से जितने भी रिक्वेस्ट आएगी उसका डेटा ट्रैक होगा और आपको सही डेटा गूगल एनालिटिक्स आपको देगा। उसके बाद सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट करना है अपनी थीम का। AMP का थीम कौन सा रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्विफ्ट ही रखूँगा क्योंकि यही अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेव करते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फ्री वाले वर्ज़न के साथ जाइए, कोई आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यदि लेना चाहते तो डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा सेटअप यहाँ पे डन हो गया है। हम करते हैं डैशबोर्ड पे स्विच बैक यानी कि लेट्स गो पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए AMP का एक डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सेटिंग डिज़ाइन एक्सटेंशन और फ्री वर्सेस प्रो का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो हम सेटिंग्स यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जनरल में। तो देखिए जनरल में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपको जो करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने लोगो के साथ। तो देखिए मैंने लोगो यहाँ पे ओपन किया है इसलिए ये जो बेसिकली ब्लैंक दिखा रहा है। तो मेरा जो लोगो है PNG फॉर्मेट में है, पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लैंक है इसलिए उस तरह से आपको पूरा ब्लैक वहाँ पर दिखाई दिया होगा। तो यहाँ से आप जो है रिसाइज वाले जो ऑप्शन से आप अपने जो लोगो है उसको जो है रिसाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने साइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं AMP सपोर्ट। AMP सपोर्ट में देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सेटिंग कर रखी थी सेटअप विज़ार्ड में। तो AMP सपोर्ट होना चाहिए पोस्ट में, पेजेस में, होम पेज में, एक्टिव सॉरी और चूज कैटेगरीज एंड टैग्स। तो यहाँ पे यदि आप करना चाहते हैं कस्टम फ्रंट पेज पे तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप इसे ऑन करोगे कस्टम फ्रंट पेज को तो आपको ये बोलेगा कि कौन सा पेज पे आपको AMP लगाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना पेज, जो भी पेज आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए होम का एक पेज आ रहा है, वहाँ से होम के पेज पे आपको सिलेक्ट करोगे। यानी कि मैंने अपने जो कस्टम फ्रंट पेज है उसका होम नाम रखा है इसलिए तो मैं वहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी नहीं लगाना है इसलिए मैंने उसे ऑफ़ कर दिया। यदि आप कुछ चेंजेस करते हो तो सेव चेंजेस पे ज़रूर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का एक नया फीचर आया है, अभी जो नई अपडेट आई है इस प्लगइन की। तो यहाँ से आप ऐड लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ऐड वन
तो बिलो द हेडर के ऐड है, यहाँ पे आपका जो भी एडवर्टाइजिंग पार्टनर है उसको चूज़ कीजिए, साइज चूज़ कीजिए, उसकी जो पब्लिशर आईडी है वो दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एडसेंस है इसलिए यहाँ पे पब्लिशर आईडी मांग रहा है। अदर एड नेटवर्क आप एडसेंस की जगह चूज़ करोगे तो मे बी आपको ये एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का एक बॉक्स दे देगा, तो काफ़ी ईजी हो जाता है एड्स लगाना एएमपी, क्योंकि एएमपी पे अलग से एड्स लगानी पड़ती है। यदि आपने गूगल के एड्स लगा दिए हैं और एएमपी पे आपको एड्स नहीं शो कर रहे तो वो अलग से लगाने होते हैं एएमपी पे, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको एसईओ से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन कर दीजिए, ओपन ग्राफ जो भी है वो उसको भी ऑन कर दीजिए। उसके बाद ये यस्ट एसईओ प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो तो उसे ही ऑन रहने दीजिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हेड सेक्शन के नीचे आपको कुछ डालना है तो वो यहाँ से भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। सेव चेंजेस कर दीजिएगा तो आपके जो चेंजेस है सेव यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद एलिमेंटर सपोर्ट, ये एलिमेंटर एक प्लगइन होता है जहाँ से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, मैनेज इन द सेंस आप अपने कंटेंट को बोल्ड वगैरह कर सकते हो, तो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आप राइट करते हो कंटेंट, तो एमएस वर्ड की तरह, तो यहाँ से आपको मिल जाता है, तो यहाँ से उससे रिलेटेड सेटिंग आपको वहाँ एलिमेंटर सपोर्ट में मिलेगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सपोर्ट भी चाहिए आपको तो यहाँ से इनका एक प्लगइन है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो एक्स्ट्रा, तो इसके बारे में हम अब बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उतना आपका काम का नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस में आते हैं, तो परफॉर्मेंस में आपको जैसे ही सेटिंग है वैसे ही रखना है। उसके बाद एनालिटिक्स की आईडी तो हमने दे दी थी तो इसे भी एज इट इज़ हम रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा पे आते हैं, स्ट्रक्चर डेटा में क्या है, स्ट्रक्चर डेटा में कुछ कैटेगरीज पोस्ट पेजेस से रिलेटेड यहाँ पे है तो इसे भी हमें छोड़ देना है, हमें उसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद नोटिस बार एंड GDPR, इसे भी आप जैसा है वैसा ही रहने दे, उसे ना छेड़े तो बेहतर रहेगा। उसके बाद पुश नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आपका जो ब्राउज़र होता है कभी कभी नोटिफिकेशन देता है आपको, तो वो ऑन करना है या नहीं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे इस वाली प्लगइन की यानी कि AMP जो है इसकी ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज होता है हमारा वो काम नहीं करता है, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सेवन सपोर्ट का एक अलग से यहाँ पे इनका जो है प्लगइन लेना पड़ेगा तभी AMP पे काम करेगा, अदरवाइज आपकी जो साइट है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी फिर से आपके पुराने वाले यानी कि जो मोबाइल व्यू होता है उस वाले व्यू में, तो ये कॉन्टैक्ट का थोड़ा सा इशू यहाँ पे है तो उसके लिए आपको प्लगइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो वो फ्री में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्री में ही रखे, कोई इशू नहीं उससे आता है। उसके बाद इंस्टेंट आर्टिकल पे आपका कोई फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल आपने लगा रखा तो इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड भी सेटिंग है यहाँ पे है। उसके बाद हाइड AMP बल्क टूल्स, तो यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, उसे आप हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, जो भी है मोबाइल रिडायरेक्शन वगैरह अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जैसे कि स्मूथ स्क्रोलिंग आप लेंगे तो उसे ऑन ही रहेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेंगे, उसे छेड़ने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे तो वो एडवांस में मिलेंगे आपको। एडवांस में क्या मिलेगा, आपको हेडर फुटर के नीचे कुछ पेड सॉरी कोड पेस्ट करना है तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ई कॉमर्स की आपकी साइट है तो ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको मिलेगा। और ये जो हम लास्ट यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांजिशन, तो यहाँ पे आप अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं, सॉरी ट्रांसलेशन है वो, ट्रांसलेशन पैनल ओके, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, तो उसे तो फिर फिलहाल आप एज इट इज़ रखिए, जब एडवांस लेवल पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप फिर वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन सेक्शन में आते हैं हम, यहाँ पे थीम आप चूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम थीम जो प्रो वाली है वो प्रो वर्जन में आपको मिलेगी, जो जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ ये स्विफ्ट वाली आप रखिए, फ्री वर्जन काफ़ी अच्छी थीम है और काफ़ी अच्छा लुक आपकी वेबसाइट का आ जाता है। कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। हेडर में कुछ डालना है, हेडर से रिलेटेड जो किस तरह से हेडर आपका दिखना चाहिए उससे रिलेटेड सेटिंग आप हेडर में कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज में आप आते हो तो होम पेज से रिलेटेड सेटिंग आप कर सकते हो, एक्सेप्ट वगैरह की जो सेटिंग होती है वो आप होम पेज पे यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद सिंगल सिंगल डिज़ाइन किस तरह से दिखना चाहिए आपकी पोस्ट का, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कीजिए और सेव कर दीजिए, इस तरह से आपकी पोस्ट दिखना चाहिए कि सेकंड वाला जो है उस तरह से दिखना चाहिए, फीचर इमेज दिखना चाहिए या नहीं, ऑथर नेम, पब्लिश डेट, आप हर एक चीज़ यहाँ से मैनेज कर पाओगे, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा सिंपल। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, यदि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद फुटर पे आपको किस तरह से दिखाना है
तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने जो मेनू वगैरह सिलेक्ट रहते हैं, लेकिन आपको जब आप कस्टमाइज़ करते हो थीम को, वहाँ पे भी आपको AMP वाली जो फुटर मेनू है उसको सिलेक्ट करना होता है, तभी आपकी AMP में दिखाई देगा। तो उसके बाद पेज, देखिए पेज पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिखाना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए, सोशल शेयरिंग बटन दिखाने चाहिए या नहीं, सभी कुछ सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डेट से रिलेटेड भी सेटिंग यहाँ पे है। सोशल शेयर आप ऑन कर दीजिए, सोशल शेयर बटन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आप एडवांस में आप अपने हिसाब से कीजिएगा। उसके बाद डेट, डेट में आप डेट से रिलेटेड और ये जो मिसलिनियस है उसमें RTL सपोर्ट सब कैटेगरीज, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें एज इट इज़ आप रखिए। उसके बाद एक्सटेंशन, इनके कुछ पेड एक्सटेंशंस है, तो जो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म से सपोर्ट बताया था वो भी एक्सटेंशन है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, तो इनका पेड है, तो पेड के साथ मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद फ्री वर्सेस प्रो, तो इनके इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया है कि क्या क्या चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी और क्या क्या चीज़ें प्रो वर्जन में मिलेगी, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सेटिंग करना है अपने जो वर्डप्रेस का जो AMP का प्लगइन है उसकी, तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है मुझे लगा। सिर्फ कॉन्टैक्ट 7 का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट है protechnologytips.com, तो इसका AMP वर्जन /AMP मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ आपको, ये नॉर्मल वर्जन है जो वेबसाइट पे खुलेगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ये जो मैंने थीम कस्टमाइज़ की है उस तरह से उसे यानी कि इस तरह से किस तरह से आपके वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है वो भी बताऊँगा। तो देखिए इस तरह से AMP का वर्जन मुझे फ़ोन में खुलेगा, तो ये तो मैंने कंप्यूटर पर खोला है इसलिए इस तरह से काफ़ी अच्छा सिंपल एंड स्लीक दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।